तो इसी परिधान में आई थी और सबको हमने सारी महिलाओं के नाम पे एक एक दुकान अलॉट किया था। जिन लोगों ने जो जो बनाया था समूह में वो अपने पूरे कपड़े को वहां पे लगाए थे। अभी देखिए ये है क्या फायदा होता है कि अगर आपको एक पता है कि भविष्य में आपको उस प्रोडक्ट को कहाँ ले जाना है तो आपका जो दिशा है ना वो बहुत क्लियर रहता है। हमें पता था कि इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो है क्लाइंट है, तो हमने जब यहाँ इसको रखा तो अंतरराष्ट्रीय जो हमारे पे बायर्स हैं हमारे पास वो आए, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। तो आप देख सकते हैं इसमें बायर्स लोग ये सारे जो है वो ऑन स्पॉट जो है या तो उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया उनको या फिर उन्होंने अपना बताया कि मुझे इस तरीके में आप मेरे अकॉर्डिंग ये बना दीजिए। दो तरीके बिल्कुल आप जैसी दिखती थी, कानपुर की बहू हूँ मैं, ऐसे सर ठपके और जब मेरी सास मुझे आवाज़ देती थी मेरी जान ही निकल जाती थी वहाँ पे। और हमारे घर की बहू बेटियों को कढ़ाई करना क्राफ्ट करना ये सब सिखाते तो मुझे लगता था प्राण ले लेंगे मेरे। लेकिन जब मेरा परिवार क्राइसिस में आया और मैंने दिल्ली आने की सोची तो मेरे को फूल बहुत सुंदर बनाने आते थे। आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ आप सबके सामने, तो EPCH की मेंबर हूँ, मेरा सम्मान विदेशों में जाता है। मैं इंडिया की जो सबसे बड़ी महंगी शादियाँ होती, किसने सुना अंबानी शादी हुई थी अभी ना सबने, वहाँ पे फूल पत्ती ये वो सब, कानपुर की एक बहू जिसे ना कंप्यूटर आता था ना इसे इंग्लिश बोलनी आती थी उसने दिया। आप ऐसा करना चाहते हो? आप में से कितने जने चाहते हो कि आपका सामान सब जगह टिके? कितने? आपको सिलाई आती है या नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुई में धागा डालना आता है काफी है। दिल कर रहा है कुछ करने का? पक्की बात है 4 घंटे अगर मैं आपके क्लास लूंगी तो आप कुछ ऐसा बनाएंगी जो बिक सकता है। ले जाएंगे क्या क्या चीजें बननी है खाने के बाद, आधा पौना घंटा जब आप घूम लेंगे उसके। पेड़ की स्कर्ट है पूरी, क्या कॉस्ट करती है? किस पर? $10 के अंदर अंदर आ जाए। काम के ऊपर है। पैसा मिलता है इस पे बनाने वाले को? देखिए ये हम ये पीस बेचते हैं लगभग $7 या $8 का। $7-$8 यानी होकर 500-550 रुपये। तो लगभग 150-150-150 रुपये का इसमें यार कपड़े होते हैं जो आप सबको यूज करोगे। विधायक जी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आपके साथ यहाँ ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में गारमेंट्स दिल्ली फेयर में घूम रही हैं, क्या मकसद है आपका इनके साथ? यही तो महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज और ग्रामों का उत्थान। हम किसी भी देश के विकास के लिए जब तक ग्रामों को नहीं जोड़ेंगे, वहां की स्किल को नहीं जोड़ेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मेरे प्रधानमंत्री का भी विजन है, ये मेरे मुख्यमंत्री का भी विजन है कि हम ग्रामों में जो हमारे पास अनेकों प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उन्हें हम एक मंच प्रदान करें और बिना किसी हर्डल के उनकी जो काबिलियत है उस काबिलियत को जब एक मंच मिलेगा तो हम विश्व स्तर पर उन्हें एक पहचान दिला सकते हैं। इसका यही मकसद था। आज मेरे साथ
विभिन्न ग्रामों के वो स्वयं सहायता समूह हैं जो अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ काम जानते हैं जिसमें कुछ काबिलियत है। अभी बोर्ड रूम में शालिनी जी वगैरह ने, सीपी शर्मा जी ने काफ़ी डिटेल में उन्हें समझाया और यह भी बताया गया कि कैसे हिंदुस्तान के प्रथम गांव माना में लोगों को आजीविका प्रदान की गई। तो मेरा भी इरादा ये है कि जिस तरीके से आज हमारा जनपद और विशेषकर मेरी विधानसभा, जहां दुनिया का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, तो मेरे यहाँ रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी संपन्न हों, उनके हाथ में भी ऐसा काम हो जिससे वो विकास की गति से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। इसी उद्देश्य के लिए आज ये एक्सपो मार्ट में इन लोगों को लाया गया है और मैंने इन सभी महिलाओं से निवेदन किया है कि अगली बार इनका भी एक स्टॉल इस मेले में होना चाहिए गांव से नाम से, जिससे लोग जाने कि जेवर की ग्रामीण प्रतिभाएं भी इस दुनिया में अपना डंका बजा सकती हैं। सहायता समूह वाली जो महिलाएं हैं इनको यहाँ पर एक्सपो मार्ट में लेकर आई हैं, ये और यहाँ पर काफी हुनरमंद लोग हैं, तो इनको इस इन सब लोगों से कैसे जोड़ेंगे आप, किस तरह की? उसके लिए हमारे पास एक पूरी फौज है महिलाओं की, शालिनी जी हैं और भी आपके साथ खड़ी हुई हैं, शोभा जी खड़ी हुई हैं, और गांवों में भी हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो कोर्स किए हुए हैं, उन्हें अभी हम धीरे धीरे आगे लाएंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर जाकर इन महिलाओं को संगठित करेंगे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे, फिर इनकी प्रतिभा का आकलन करेंगे कि हम इनसे क्या बनवा सकते हैं। तो ये एक प्रयास की शुरुआत है और उम्मीद है जब हम सभी लोग लगेंगे तो जो हमने सोचा है इन महिलाओं को हम ऐसी प्रगति की तरफ ले जाएंगे जिससे राष्ट्र की GDP में भी अपना सहयोग कर सकते। इनकी प्रगति में जो प्रोडक्ट होंगे वे किस तरह के प्रोडक्ट होंगे जिनको ये यहाँ पर लेकर आएंगे, या अगला जो स्टॉल लगेगा उसमें कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे? ज्यादातर महिलाओं को हमने देखा कि वो सिलाई और कढ़ाई जानती हैं, तो हम इसीलिए इन्हें इस विंग में लाए ताकि ये देखें कि क्या पैटर्न चल रहा है। अभी मैंने देखी एक रजाई सिल्क की जो विदेश में 10,000 रुपये में यहाँ से जाती है। इस तरीके की रजाइयाँ जो हाथ से बनी हुई है अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बनवाएंगे तो शहर में तो हमें लेबर लानी पड़ती है, फैक्ट्री में उन्हें वाहन भी उपलब्ध कराने पड़ते हैं, लेकिन अगर गांवों में हम ऐसे उत्पाद बनाने लगेंगे तो इसकी कीमत भी कम हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र को भी रोजगार मिल जाएगा, उसका फायदा उन लोगों तक पहुंच जाएगा। आपके क्या प्रोडक्ट होंगे, कैसे? जैसे कि सर ने बताया कि हम कपड़ों से पिल्लो भी बना सकते हैं अच्छी अच्छी, और क्रोशिया धागा, ये जो तकिया है मतलब पिल्लो है उसमें क्रोशिया वर्क भी हो सकता है, रुमाल में भी क्रोशिया वर्क हो सकता है, हैंगिंग, हाँ हैंगिंग बोलते हैं जो, तो इस तरह का काम सोचा है अभी हमने। कितनी महिलाएं आपके साथ होंगी और अभी तक? करीबन हमारे गांव में 50-60 महिला हैं। अभी तक कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं इस तरह? मेरे जो पास में है कम से कम 10-15 महिला हैं जो काम करती है इस तरह का। फिक्शन हैंडीक्राफ्ट ओन करती हूँ एंड गारमेंट और बैग्स हम लोग बना रहे हैं और बाहर विदेशों में USA एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी भेज रहे हैं। अब तक मैंने 1,000 से ऊपर महिलाओं को ट्रेन किया है, उसको क्रोशिया वर्क से और हैंड का जो भी काम होता है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, टेसल बनाना है, फ्रिंजेस निकालना है और कुछ भी तरह की इस तरह की हाथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हम लोग छोटे छोटे गांव में आज भी भेजते हैं और वहीं से ऑर्डर बन के आते हैं। उसमें एक मीडिएटर होता है, वो लेकर के जाता है और लेकर के आता है, उसके अलावा हम वहाँ जा करके भी ट्रेन करते हैं और धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री में भी, मेरा ग्रेटर नोएडा EPIP एरिया में Site 5 में फैक्ट्री है, उसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं और जो महिलाएं वहाँ पे कर रही हैं 100 से ऊपर महिलाएं ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, तो उन लोगों को तो ट्रेनिंग होकर के आज वो ट्रेनिंग के जरिए बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं, उनका काफ़ी अच्छा स्तर बढ़ चुका है उनका रहने का और सारी चीज़ें। इन महिलाओं से भी मेरा अपना यही है कि वहाँ पर जब हमारे नेताजी उनको कुछ एक जगह दे देंगे उसके बाद इन लोगों के साथ एक हम मीटिंग करेंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर की तरह से उसको डेवलप कर देंगे। जो भी हमारे यहाँ एक ये पैकेजिंग में काफ़ी अच्छा है, इनका हाथ है, तो शालिनी जी उसमें ट्रेन करेंगे, बाकी मेरा अपना ये जो भी प्रोडक्ट इनके बना सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दूंगी, इवन मैं इनको कपड़ा भी दूंगी जिससे कि इनको कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं है, सीखने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करके इनको सिखाएं।